टैक्स से जुड़ी परेशानियों से आपके कारोबार का पूरा विवरण तैयार करने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। किसानों के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार मध्य प्रदेश सरकार ने मूंग और उड़द की सरकारी खरीद के लिए तारीख का ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत सरकार की प्राइस सपोर्ट स्कीम के तहत समर्थन मूल्य पर ग्रीष्मकालीन मूंग एवं उड़द की खरीद 8 अगस्त से शुरू होगी। किसान मंडियों में 30 सितम्बर तक बिक्री कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि खरीद में भ्रष्टाचार की संभावना न हो, इसके लिए सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए। चौहान ने ग्रीष्मकालीन मूंग एवं उड़द उपार्जन की समीक्षा बैठक के बाद अधिकारियों को इसके निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि व्यापारियों द्वारा किसानों के नाम पर मूंग और उड़द की बिक्री किसी भी कीमत पर नहीं की जाएगी। किसानों से ही मूंग और उड़द की खरीद हो, इसे अधिकारी सुनिश्चित करें। छोटे किसानों की शत प्रतिशत मूंग और उड़द के उपार्जन को प्राथमिकता दें। उन्होंने कहा कि जहां तक संभव हो इलेक्ट्रॉनिक तोल कांटों से तुलाई की जाए और खरीदी लक्ष्य के अनुसार सुनिश्चित हो। वहीं अधिकारियों ने बताया कि मूंग एवं उड़द की खरीद के लिए 741 खरीद केंद्र बनाए गए हैं। अभी 32 जिलों में मूंग फसल के लिए 2,34,749 किसानों ने 6,01,000 हेक्टेयर रकबे का रजिस्ट्रेशन कराया है। इसी तरह 10 जिलों में उड़द की फसल के लिए 7,329 किसानों ने 10,000 हेक्टेयर रकबे का रजिस्ट्रेशन करवाया है। रजिस्टर्ड किसान ही अपनी फसलों की MSP पर बिक्री कर पाएंगे। केंद्र सरकार की प्राइस सपोर्ट स्कीम गाइडलाइन के मुताबिक प्रतिदिन प्रति कृषक 25 क्विंटल मात्रा की ही खरीद की जाएगी, यानी किसान अब इसी हिसाब से उपज लेकर मंडी में आए। बैठक में बताया गया कि मार्केटिंग सीजन 2022-23 के लिए मूंग का न्यूनतम समर्थन मूल्य 7,275 रुपये प्रति क्विंटल और उड़द का न्यूनतम समर्थन मूल्य 6,300 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। हालांकि मध्य प्रदेश के किसान नेता का कहना है कि अधिकांश किसान औने पौने दाम पर मूंग बेच चुके हैं। जब अधिकांश राज्यों में मूंग की खरीद बंद हो चुकी थी, तब मध्य प्रदेश में रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ है। बताया गया है कि सिर्फ 2,00,000 टन मूंग बिक्री की ही अनुमति मिली है। फिलहाल देखना यह है कि क्या राज्य सरकार पिछले साल की तरह केंद्र सरकार से खरीद लिमिट बढ़ाने का अनुरोध करेगी या फिर मध्य प्रदेश कृषि विभाग के मुताबिक। बता दें आपको, इस बार राज्य में 12,00,000 हेक्टेयर में किसानों ने मूंग की खरीद की थी। सरकार को अनुमान है कि इस बार 15,00,000 टन तक उत्पादन हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। आपके हर बिल को बनाने और उसका हर हिसाब रखने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।